हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। मेरा नाम है और हर्ष, और आप देख रहे हैं हर्षदीप व्लॉग्स। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने कटिंग वगैरह करा ली है और हम पता कहाँ आए हैं, थोड़ी देर में दिखाते हैं आपको फ्लिप करके। हम पहुँच गए दीप भाई की दुकान पे। दीप भाई ने नया बिजनेस शुरू कर दिया है। मेरा नहीं है भाई, इसका चाचा चाचा का बिजनेस है। देखो गाइस, हार्डवेयर की दुकान खोली है, हार्डवेयर का सामान छोड़ के पेंट का कर लिया है। पहले पेंट का, ठीक है। आप देख सकते हो आपको क्या क्या चाहिए यहाँ से, ठीक है। ये कोई मशीन है, इसके बीच में दीप को डालते हैं तो फिर एक कलर निकालता है कोई, ठीक है। और ये पता नहीं क्या है, ठीक है, आप देख लेना, ठीक है। दीप बताओ इधर आके, ठीक है। पुट्टी होता है, ये इसके बीच में कलर डालते हैं, इसमें से दीप का कलर निकलता है। हाँ, कंप्यूटराइज कलर। फिर और हम गाड़ी पे भी करा सकते हैं ना ये कलर। और ये दीप की बोतलें हैं जो रात को नशे करता है इससे, और वो प्राइमर होता है मेरे को बड़ा पता। ये है पेंट पुंट सारी आज इसकी। ये दीप की रस्सी है, इसको इसके साथ दीप को बांध सकते हैं, फिर मार चला सकते हैं। और इसके बाद ये हमारी दो बाइकें लगी है, FZ25 और एक हमारी हंटर, और वो दीप की है, ठीक है। स्प्लेंडर नहीं, ये स्प्लेंडर मुझे आइडिया नहीं है इसकी है भाई, क्या फ़र्क पड़ता है। आ रहा है, अपनी टोपी भूल गया पीछे कमरे में। हाँ चल, लेके आते हैं, व्लॉग में दिखाएंगे सीक्रेट कमरे, ठीक है। चल, चाबी है ना दरवाजा, चल। देखो गाइस, अट्टी छोड़ के जा रहा है बंदा। वो स्कूटी किसकी हुई है? स्कूटी छोड़ यार, ये देखो कमरे, या हम सो सकते हैं अगर हमें घर से निकाल दे तो, है ना। पहले तेरे को ही निकालेंगे, चल। पहले से ही घर से बाहर हूँ, कितना निकालेंगे। ये देखो कितना गंद डाल है, लाइट की कमी और टोपी मिल गई दीप डॉन को। चलो अब आपकी दुकान की लोकेशन क्या है, बताओ कौन सी जगह पे दुकान खोली है? सामने सर। वो नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूँ, मैंने वो तो मैंने देख ली, रोड साइड दुकान है यार। अगर आप मेन रोड पे आओगे ना रियासी जाते हुए, हाँ, पग्गा मार्केट से बस थोड़ी सी पीछे राइट साइड पे शॉप मिल जाएगी आपको, ठीक है भाई। डिस्काउंट दिलाओगे ना? स्कूल के बिल्कुल जस्ट पीछे डिस्काउंट दिलाओगे ना? मेरा नाम लेके आओगे तो डिस्काउंट जरूर मिलेगा गाइस। डिस्काउंट तुम्हारे वालों को 20-25% डिस्काउंट। तो देख लो ब्रा, मेरा व्लॉग देखने का फायदा हो गया आपको, इधर से पेंट लेना। अब जितने का आया बिना मार्जिन के मैं दे दूंगा इनके फोन लेते, ठीक है। ये लैपटॉप और यहाँ हमारा दूसरा सिस्टम, ये देखो इधर आप गाने सुन सकते हो। अभी है पर वो अभी हम निकालेंगे नहीं, वो छोड़िए। यहाँ पे दीव ने ग्लास रखे हैं, इधर कोई पैक का सिस्टम भी रखा होता है दीव ने, शायद से पानी पीने के लिए है। इतना पानी पी, चार ग्लास में पानी पी, और क्या आ ही जाए अगर चार बंदे आ जाए एक साथ, तो वो मैंने सोचा ही नहीं। चल ठीक है, अब लैपटॉप में करते हैं। यहाँ पे हमारे दुकान के ओनर है वो चले गए हैं, और हमारे हवाले कर दिए उन्होंने दुकान, ठीक है। नहीं तो हम यहीं पे टाइम पास करेंगे थोड़ी देर। यहाँ पे ना दो चार दिन पहले मैं बैठा हुआ था तो एक बंदा आया, बोलता सर मैंने धर्माड़ी तक सुना आपके, जितना कम रेट कोई भी नहीं दे रहा। मैं सर इतनी जल्दी इतने चर्चे कहाँ से उठ के मारे? मेरी वजह से यार, अभी जो नहीं हुए वो मैं करवा दूंगा। ब्लॉग पता कहाँ तक जाएगा, मैं बड़ी दूर तक जाएगा, टेंशन नहीं ले। वाला स्पीकर रखेंगे, दीप भाई ने उधर और स्पीकर रखे हैं भाई, वो देखो पूरा सिस्टम रखा है गाने सुनने के लिए। टाइम पास तो करना जरूरी है ना यार, मैं इस पे हॉटस्पॉट देने भूल गया था। हॉटस्पॉट तो भाई 39 का रिचार्ज किया दीप भाई ने, अनलिमिटेड क्या सोलो लेवलिंग और गंदी गंदी गेमें खेलता रहता है, पता नहीं क्या है ये। ओ यार, इसको अभी नहीं, इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा बंदे ने नहीं है। पढ़िए इसमें लिखा है 25,000 प्लस कलर, भाई इतने कलर होते हैं क्या? इतने ज्यादा कलर होते भी हैं? मेरे को तो यही कलर कॉम्बिनेशन आते हैं ना, कलर कॉम्बिनेशन, हर एक कलर को अगर आप मिक्सर करोगे उससे ये कलर कॉम्बिनेशन निकलेगा। ये तो मुझे पता ही नहीं था इतना ज्यादा सिलेबस भाई। रहन दो भाई, मैं नहीं खो रहा पेंट की दुकान, रहन दो भाई, अभी से डर गई है। जी हमें मिल गई है हमारी FZ25 की चाबी, तो आपको बाइक दिखाते हैं। अपनी वाली तो आपको दिखाते ही रहेंगे, ये तो मेरी है, मेरे पास ही रहेगी। तो यार ये बाइक काफ़ी अच्छी है, FZ से तो अच्छी है, FZ25। लोग पता नहीं क्यों नहीं लेते हैं, ये भी अच्छा ऑप्शन है। इसकी आवाज़ सुनते हैं एक बार कैसी है, ठीक है। न्यूट्रल में देखना, देखो ना, रुक साइड ऑफ बाइक का, मेरे को नॉलेज कम है क्योंकि मैं चलाता नहीं हूँ। कोई बात नहीं भाई, दिख रही तो न्यूट्रल ही है, सेल्फ मार के देखते हैं, हो गई तो अच्छी बात है ना यार। इधर एन तो दिखा रहा है, अब पता नहीं क्या चाहते हैं। रुक यार, मैं बैठ के देखता हूँ इसको, पकड़ इसका स्टैंड हटाना पड़ेगा फिर जाके चलेगी। हाँ
ये उन्होंने अपने हिसाब से रखा हुआ है ना थोड़ा। नहीं एक चीज और है, मैं मतलब बेशक मैं चलाता नहीं हूँ, मेरे इससे पाँव नहीं पहुँचते, बहुत ऊंची है, पर इतना होता तो पावर बहुत है भाई इसमें, बहुत ज्यादा। अभी जिसकी एक है वो अभी यहाँ पे है नहीं, तो ऐसे लेना बुरी बात है। चाचू ही है गाइस हमारे, इसके अपने समझ लो, कोई चक्कर नहीं। और उनके पास पहले एक 220 थी भाई, हमने वो किस्सा तो बताया ही नहीं। हाँ 220 थी यार, बाहर लगाई थी रातों रात, चोरी हो गई और वो आज तक नहीं मिली। फिर उसके बाद उन्होंने ये लिया। हाँ तो ये अच्छी है, पावर है भाई इस बाइक में, पावर बहुत है, बहुत प्यारी बाइक है यार। इतने पसीना आ रहा है ऐसे, इतना अच्छा मौसम है, बाहर धूप भी नहीं है, ठीक है। समझ नहीं आता कि लोग जमा जब भी सोचते हैं भाई वो R15 का ही क्यों सोचते हैं, जमा के पास और भी अच्छी और प्यारी बाइक्स हैं भाई, MT और R15 के अलावा। एक बात बताऊं, जब का भाई पल्सर NS 400 आया ना, गेम ही खत्म हो गई है भाई, वो लेता ही नहीं कोई, अब रहने दो, हो गया काम खत्म। 200 स्टिल बेस्ट इन द गेम। चल ठीक है छोड़ो, पर आपके पास हम आए हैं और हम ही आपको पार्टी करा रहे हैं, गलत बात है नहीं भाई? मैं सोगा दे रहा था, तू समोसा खिलाएगा अब, तब तक आ रहे भैया। बड़ी हुई है, और तू भी कर पार्टी, भूख लगी बेचारे को बड़ी, ये तो तेरे से भी तेज खा रहा थी। बड़ा स्लो खाता है यार। बोल गया अपने फेवरेट दुकान समोसे खाने, और आते आते हमारे साथ क्या हुआ अभी बताते हैं आपको थोड़ी देर में समोसा खाने के बाद। सो गाइस हम लोग कुछ ऐसी सी लोकेशन में आए थे यार अभी घूमने, और सुबह बता दोगे हम करने के आए थे और हुआ क्या था? हम आए थे गाइस समोसा खाने, और समोसा खाने के आए थे, एक बंदा था उसे शराब पी हुई थी, स्कूटी ले के आया हमारे साथ 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 गया और इधर नाली में गिर गया। भाई देख लो ऐसा सीन भी होता है, खुद बच के रहना भाई। इस टाइम हमारे हाथ में भाई पेपर बोर्ड, तो हर्ष भाई को आगे जाके बुलाते हैं, बाकी ऑटो आ रहा है गाइस। वहाँ से हम लोग आए थे, थोड़ा रियासी वाली साइड घूमने जा रहे हैं आज हम, मतलब रियासी भी नहीं जा रहे, थोड़ा आगे तक जा रहे हैं, जस्ट एक दो किलोमीटर रास्ते में। हाँ मतलब रास्ते तक जा रहे हैं थोड़ा सा, उसके बाद आ जाएंगे थोड़ा सा भाई। रोड कंप्लीट हो गया है, ये अच्छी बात है, नहीं तो इस रोड की जो कंडीशन थी वो अगर भाई रियासी जाता है उसको पता होगा। ये पूरी कंडीशन अच्छा हो गया, रोड पूरा आगे जा भाई, रोड अच्छा हो गया है, अब टिकेगा कितने साल वो मैं नहीं बता सकता। मेरे कपड़े इग्नोर कर देना, बाकी काफी अच्छा मौसम है, वारी चेक कर सकते हो आप भाई। मतलब इस टाइम भी यहाँ पे ना इतनी ठंडी, ऐसे थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है ना बाइक पे, अगर ऐसे कहीं रुक जाओगे ना बहुत ज्यादा गर्मी है भाई। क्रूजिंग के लिए इसीलिए मैंने बाइक ली थी, आराम आराम से मजे कर ली। नेक्स्ट स्टॉप को दिखाते हैं थोड़ा आगे, जब हर्ष भाई अकेले जाएंगे, मैं तो उतरने वाला हूँ यहाँ से जाके घर पे सीधा। कहना चाहते हो भाई दी भाई, आपने अभी भी क्या कहा? मेरी हाइट के हिसाब से भाई मस्त बाइक है, सुटेबल है भाई। पूरी बात बता ना। नहीं भाई वो सबको पता है, भाई KTM से गिर गया था बंदा हमारा, इसलिए हमने KTM ही भेज दी, ठीक है नी? अब हम पेपर बोर्ड करके मेरे लेगी फूले हुए थे, वो मेरे पाँव में फंस गए थे। हो गया हो गया, अब पेस्टी हो गई है, ब्लॉग देख लेना गाइस मेरा, वो यहीं पे हम ये पियेंगे, उसके बाद हम दीप भाई को वापस छोड़ेंगे और फिर घर पहुंच के ब्लॉग खत्म कर देंगे भाई। हवा चल रही है, डंगर भी हमारे पास आ गए। हेलो गाइस, ये भी मेरे ब्लॉग के थ्रू मशहूर होने वाले हैं, कितने अच्छे हैं, है नहीं दीप? ले जाए घर पे एक आधा। ओह वेरी ब्यूटीफुल, मौसम अच्छा है यार आज, मौसम बारिश होने वाली है ना, होनी तो चाहिए। चल चले अब तेरी वजह से ही घूमता हूँ, मैं भी काला हो गया हूँ। हम जा रहे हैं यहाँ से अपने घर, घर पे तो रहते हो, मैं हर रोज भाई ऊपर तक, मैं भी नहीं रहता घर पे। चल तू जा फिर, बाय बाय भाई, फिर मिलते हैं और किसी अच्छे से गंदे से व्लॉग में। तो इसको धो लेना भाई, दो लूंगा भाई, मैं बोल रहा हूँ दो लेना इसको याद से, कोई चक्कर नहीं भाई दो लेंगे, अभी लेमिनेशन भी करानी मैंने इसको। ना तो कपड़ा ही मार देना पहले, कोई नहीं खोल यार टी शर्ट, देगी यही रख लेता हूँ टी शर्ट खोल। नहीं भाई ये बहुत पुरानी है भाई, 5-6 साल की, तभी तो मांग रहा हूँ
ये पता पहले इतनी इतनी लंबी थी ये। अच्छा। मैं पहले से थोड़ा सा लंबा हो गया हूँ। अच्छा ठीक है भाई, गाइस पूछ सकते हो, मैं बड़ा ज्यादा पहले इनसे पूछ लो। पर गाइस ये देखो वो उधर पीछे मंदिर दिख रहा है, मैं वहां भी गया हूँ, बड़ी अच्छी जगह है, फिर जाएंगे। मेरे को बताया तक नहीं मेरे मोहल्ले आए थे भाई, तेरे साथ थोड़े आया था। बाय गाइस, बाय, फिर मिलते हैं।